भाजपा और जनता दल यानी जेडीयू की राह अब अलग हो चुकी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार राजद और अन्य विपक्षी दलों की मदद से आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसे लेकर बुधवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में कहा कि उनके आगे कुआं और पीछे खाई है। हमें ऐसा लगता है कि वह जिस रास्ते पे चले हैं वह कोई रास्ता नहीं। शेष मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, या जरूर कहूँगा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से देश में अगले आम चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि बिहार में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा भगाओ का नारा दिया। तो वहीं इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी की जनता ने उन्हें भगा दिया है, यूपी में वह विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो करे। नारे हम लोगों को भी बहुत आते हैं, ऐसे नारे वह ना लगाएं जो उनके लिए अच्छे ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।